है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहाँ जाएंगे हम। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिल्मी टॉक्स के पहले एपिसोड में। सो गाइस, यहाँ पर आपको बॉलीवुड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें मिलती रहेंगी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो आइए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो है श्रीकांत मूवी के बारे में। जी गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 10th ऑफ मई को श्रीकांत मूवी थिएटर में रिलीज हुई, और यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। अगर 3 इडियट्स के बाद अगर मैंने किसी फिल्म को देखा है बढ़िया तरीके से, तो भैया वो ये फिल्म है। ये फिल्म आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी, और आपको बहुत ही कुछ सिखाकर जाएगी ये फिल्म। इस फिल्म में हमें लीड रोल में नजर आ रहे राजकुमार राव और ज्योतिका, जिन्होंने काफी बढ़िया रोल निभाया इस फिल्म के अंदर। गाइस, इस फिल्म के ऊपर मैंने डिटेल में रिव्यू कर रखा है, अगर आप लोगों को वो रिव्यू देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उस रिव्यू को देख सकते हैं। फिलहाल अब हम चलते हैं हमारी दूसरी अपडेट के बारे में। सो गाइस, दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है सिकंदर मूवी से। जी गाइस, आप सभी लोग जानते हैं कि सिकंदर मूवी सलमान खान की सबसे बड़ी मूवी में से एक होने वाली है, और ये फिल्म अगले साल यानी कि 2025 में हमें ईद के दिन देखने को मिल जाएगी। गाइस मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो सिकंदर मूवी थी उसमें सलमान खान तो एज ए लीड रोल में नजर आ रहे थे, लेकिन उनके अपोजिट कोई हीरोइन नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब हीरोइन भी फाइनल की जा चुकी है, और उनका नाम है रश्मिका मंदाना। जी गाइस, पुष्पा 2 से पूरे इंडिया में तहलका मचाने वाली रश्मिका मंदाना सिकंदर मूवी नजर आने वाली है, तो ऐसे में बहुत ही तगड़ा धमाका होने वाला है अगली ईद को। तो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी अपडेट्स के बारे में। सो गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, तीसरी अपडेट निकल कर आ रही है कैथी मूवी से। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों ने कैथी मूवी देखी हो और उसका हिंदी रीमेक देखा हो, यानी कि भोला मूवी जिसमें अजय देवगन हमें नजर आए थे, तो भैया अब कैथी 2 बहुत ही जल्दी हमें थिएटर में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ गाइस, कैथी 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा चुका है और इसकी शुरुआत भी होने वाली है। गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कैथी 2 के हमें प्रीक्वल दिखाया जाएगा, यानी कि कैथी 2 के जो पीछे की कहानी है वो हमें दिखाई जाएगी इस फिल्म के अंदर। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं हमारी चौथी अपडेट्स के बारे में। सो गाइस, चौथी अपडेट जो है वो है क्रिश 4 मूवी को लेकर। जी गाइस, क्रिश फ्रेंचाइजी की मोस्ट अवेटेड मूवी क्रिश 4 हमें बहुत ही जल्दी थिएटर में देखने को मिलने वाली है। गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि क्रिश 4 की जो शूटिंग है वो 2024 के एंड में शुरू हो सकती है, और ऐसे में बताया जा रहा है कि शायद हमें ये 2025 के मिडल में हमें देखने को मिल जाए थिएटर के अंदर। जी गाइस, इसकी रिलीज डेट तो अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन शायद हमें 1 मार्च 2025 में देखने को मिल सकती है। फिलहाल गाइस, आप सभी लोग क्रिश 4 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।